हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। तो आज की ये वीडियो हमारी आंशिक अवकरण के ऊपर दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो पहली वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट और 5 एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अब हम आंशिक अवकलन का 6ठा एग्जाम्पल करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इसमें 6ठा एग्जाम्पल क्या है कि एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड बराबर अगर सी है तब हमको सिद्ध करना है कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर, ये लाना है हमको, माइनस एक्स लॉग ई एक्स का इन्वर्स, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम ये वाला लेंगे, इसके बराबर ला देते हैं, या कभी कभी ये इधर वाला आरएचएस लेकर भी हमको एलएचएस लाना पड़ता है। अभी हम इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि किसका अवकलन कर रखा है यहाँ पर, डेल जेड, जेड का अवकलन, आंशिक अवकलन कर रखा है डेल जेड, एक बार एक्स के सापेक्ष और एक बार वाई के सापेक्ष, तब जाके हमारे पास ये प्राप्त हो रहा है। तो हमको अवकलन किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष करना है। हमको दिया क्या है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड बराबर में क्या है, सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जेड का निकालेंगे, तो जेड को मैं यहाँ रखूँगा, जेड की पावर जेड को यहाँ रखा, सी अपॉन में क्या रख दिया, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई। अभी भी इसको जेड को सिंपलीफाई करेंगे, सरलीकरण करेंगे इसको। तो इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे दोनों ओर, ठीक है। तो लॉग लेने पर, लॉग लेने पर इधर क्या हो जाएगा, लॉग जेड की पावर जेड बराबर लॉग सी, लॉग एम अपॉन एन से खुलेगा। अगर बटे में होते हैं तो क्या आता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, और गुणा में होते हैं तो क्या हो जाता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो माइनस लॉग एक्स की पावर एक्स और वाई की पावर वाई, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब ये यहाँ से अगर लॉग एम की पावर एन लगी हो तो एन को हम आगे ले लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला ये क्या खुल जाएगा, लॉग जेड जेड लॉग जेड, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉग सी ऐसे कैसे, माइनस ये दो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स की पावर एक्स प्लस था ये माइनस, बाहर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग वाई की पावर वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल लॉग सी, यहाँ पे भी इनको आगे ले लेंगे, माइनस है एक्स लॉग एक्स माइनस वाई लॉग वाई, ठीक है। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, इसको समीकरण एक नाम दे देंगे हम। और हमको क्या करना है, जेड का एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर वाई के सापेक्ष करना है, और ये हमको मतलब इस ये वाला प्राप्त करना है, ये हमको पता है कैसे प्राप्त होता है, और फिर उससे ये वाला प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सबको समझ में आ गया होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन एक्स के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले यू इंटू वी से करेंगे, यानी पहले वाले अवकलन दूसरा वाला एज इट इज प्लस दूसरे वाले का अवकलन और पहले वाला एज इट इज। तो जेड का अवकलन क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स लॉग जेड एज इट इज प्लस लॉग जेड का क्या होगा, वन अपॉन जेड, और जेड का क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और जेड एज इट इज बराबर में, ये लॉग सी कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, वन लॉग एक्स माइनस, माइनस क्यों आ रहा है, प्लस आएगा लेकिन ये माइनस बार वाला अंदर गुणा के इसको भी माइनस कर देगा, ठीक है। इसको यू इंटू वी से करेंगे, पहले वाले का अवकलन एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, लॉग एक्स एज इट इज, अगले वाले में एक्स को एज इट इज लगा, लॉग एक्स का क्या हो गया, वन अपॉन एक्स, इससे ये कट गया। यहाँ से मैंने डेल जेड अपॉन डेल एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, वन प्लस लॉग जेड आ गया, ठीक है, बराबर में यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, वन प्लस लॉग एक्स आ गया, ठीक है। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग जेड आ जाएगा हमारे पास। इसको समीकरण नंबर दो दे देंगे, डेल जेड अपॉन डेल एक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो समीकरण एक का कहाँ है, समीकरण एक इसका हम किसके सापेक्ष अवकलन कर देंगे, वाई के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आप करके देखना सीधा सीधा, यहाँ से मैं बता दूंगा सममिति से यहाँ से क्या आएगा, मतलब हम करते क्या हैं, कभी कभी लिखते हैं ना इसी प्रकार, तो उस प्रकार में बताऊंगा, अगर आप करेंगे तो भी वही आएगा, ठीक है, लेकिन हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी तरीके से बिल्कुल आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल एक्स का चेंज करेंगे, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, वाई रख देंगे, तो माइनस वन प्लस लॉग वाई अपॉन में वन प्लस लॉग जेड,
ये हो गया समीकरण नंबर दो। कैसे आया ये? इसी प्रकार करने से आया, क्योंकि यहाँ हमने डेल जेड अपॉन डेल एक्स निकाला था, अब ये समीकरण आ गई, इसमें हमने वाई रख दिया तो एक्स की जगह वाई रखा, तो यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल वाई आ गया। और ये हमारे पास दोनों समीकरण आ चुकी है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी निकाल लिया और डेल जेड अपॉन डेल वाई भी निकाल लिया। अब हमने क्या किया, इसका डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पर डेल अपॉन डेल वाई, यानी इसका एक बार और अब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो इधर वाला तो हमारे पास सेम आ जाएगा। और फिर इसको हल करके हमको ये लाना है, यानी अब डेल अपॉन डेल एक्स, और इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, वन प्लस लॉग वाई अपॉन में वन प्लस लॉग जेड, ठीक है। अब इसका ये हमारे पास आ चुका है, इसको क्या होता है, डेल से डेल गुणा होकर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स और डेल वाई, डेल एक्स और डेल वाई, यानी इधर वाला तो हमारे पास आ गया है, कहाँ है प्रूफ करने वाला, यहाँ से इधर वाला तो हमारे पास आ चुका है, अब हमको इधर वाला लाना है। अब इसका हम जब हम इसका ये जो हमारे पास समीकरण है इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा। अब चलिए करते हैं, सबसे पहले यू अपॉन वी से होगा पहले वाले का अवकलन, और दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जब हम पहले वाले का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये तो पूरा ही वाई में है, वाई की टर्म्स में है, तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, एक का जीरो हो जाएगा, लॉग वाई का क्या होगा वन अपॉन वाई, फिर वाई का क्या होगा एक्स के सापेक्ष जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा गुणा होकर जीरो हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं यू अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है, यू का अवकलन वी एज इट इज माइनस वी का अवकलन यू एज इट इज अपॉन में वी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, उससे हम करेंगे तो पहले वाले का अवकलन इसका पूरा का जीरो हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तुम्हारे पास क्या होगी जीरो, फिर माइनस करके आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इसका अवकलन। अब इसका हमको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है इसका, तो इसका कैसे करेंगे, वन का तो क्या हो जाएगा जीरो, लॉग जेड का क्या होगा वन अपॉन जेड, और जेड का क्या होगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे जेड कॉन्स्टेंट नहीं है। अब आपने देखा होगा पूरे प्रश्न में हमने एक बार x को भी कांस्टेंट मान लिया, एक बार y को कांस्टेंट मान लिया, लेकिन z को हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि जो x और y है वो z में है, ठीक है। पहले वाले का किया था हमने इसी फॉर्मूले से, तो ये तो जीरो हो गया, माइनस इसका ये कर रहे थे हम दूसरे वाले का अवकलन, और पहले वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन हम कर चुके हैं, और पहले वाला वन प्लस लॉग वाई एज इट इज अपॉन में क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला तो हमारे पास आ चुका है, इसको मैं डेल डेल से दिखा रहा हूँ, वन अपॉन जेड, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान हम यहाँ से रखेंगे, ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, यहाँ से आप देख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान कितना है, माइनस माइनस यहाँ से माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग जेड, माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग जेड, ठीक है। ये है ये जे वन अपॉन जेड, ऐसे कैसे यहाँ पे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मान रख दिया हमने, यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस लॉग वाई अपॉन में क्या चल रहा है वन प्लस लॉग जेड का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर ऊपर आके क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा, तो वन अपॉन जेड ये माइनस आ जाएगा बार वन प्लस लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग जेड का होल क्यूब और वन प्लस लॉग वाई, ठीक है। लाना क्या है हमको एक्स लॉग ई इनवर्स, ठीक है, ये हमको लेके आना है। तो यहाँ तक अब हमारा हो चुका है, अब हम देखेंगे क्योंकि इसको करना कहाँ पर है, प्रूफ आपको समझ में आया होगा कि x, y और z पर हमको ये लेके आना है। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये आ चुका है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स वाई, अब हमको कहाँ पर प्रूफ करना है x और y, x बराबर y बराबर z पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x बराबर y बराबर z, या तो आप पूरे समीकरण में y y के लिए आओ या x x के लिए आओ या z z के लिए आओ, तो हम किसके लाएंगे x के, माइनस वन अपॉन z की जगह क्या रखते हैं x, क्योंकि x किसके बराबर है z के, वन प्लस लॉग एक्स अपॉन में क्या है वन प्लस लॉग जेड का लॉग एक्स का होल क्यूब वन प्लस लॉग एक्स। तो समझ में आओगा आपको, यहाँ से ये कट जाएंगे दोनों, यहाँ पे हमारे पास ये बच गया माइनस वन अपॉन एक्स वन अपॉन वन प्लस लॉग एक्स, यहाँ तक आपको समझ में आओगा। अब हम क्या करेंगे, जो क्या जानते हैं कि वन प्लस लॉग एक्स जो होता है, वन प्लस लॉग एक्स होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है लॉग ई एक्स,
उसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ई एक्स होता है, वन प्लस लॉग एक्स बराबर किसके होता है, लॉग ई एक्स के बराबर होता है। अब ये पूरा अपॉन में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स लॉग ई एक्स का होल इन्वर्स और माइनस आगे चले रहा था। तो ये प्रूफ हो गया सवाल, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।